भाई और बहनों, हमारे इन तीर्थों ने सदियों से राष्ट्र को संदेश भी दिए हैं और सामर्थ्य भी दिया है। काशी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्ञान, दर्शन और कला की राजधानी भी रहे। उज्जैन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े शोधों के शीर्ष केंद्र रहे हैं। आज नया भारत जब अपने प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आस्था के साथ साथ विज्ञान और शोध की परंपराओं को भी पुनर्जीवित कर रहा है। आज हम एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो रहे हैं। आज भारत दूसरे देशों की सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च कर रहा है। मिशन चंद्रयान और मिशन गगनयान जैसे अभियानों के जरिए भारत आकाश की वो छलांग लगाने के लिए तैयार है जो हमें एक नई ऊंचाई देगी। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी ताकत से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आज हमारे युवा स्किल हो, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप, एक एक चीज नहीं, नए स्टार्टअप के साथ, नए यूनिकॉर्न के साथ हर क्षेत्र में भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमें भी याद रखना है, ये न भूले, जहां इनोवेशन है वहीं पर रिनोवेशन भी है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया, आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है। अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है और इसका लाभ सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, विश्वास रखिए साथियों, महाकाल के चरणों में बैठे हैं, विश्वास से भर जाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए शांति के मार्ग प्रशस्त करेगी।